वेलकम टू माई चैनल परविश नन्हे की। ये आज बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2019 जो जून में अभी चल रहे हैं उनका है, लेटेस्ट पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के। जो भी क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको बता रही हूँ। 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: आर्टिकल 51A ऑफ एजुकेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स, नीड ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, एंड हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस एजुकेशन। शिक्षा एवं मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 51A, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा 2005 की आवश्यकता, त्रिभाषा सूत्र के फायदे एवं नुकसान संस्कृत शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है। यूनिट 1 में से जो अटेम्प्ट कर रहे हैं दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो, सेकेंड और थर्ड में से। क्रिटिकल एग्जामिन अबाउट एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स, सामाजिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली में आप मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों बता सकते हैं। डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा कीजिए। यूनिट 2 में है, डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। ये अलग अलग क्वेश्चंस थे, दोनों में से जौन सी पॉलिसी आपको अच्छे से आती है आप वो कर सकते हो अटेम्प्ट। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, या फिर शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1992 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यूनिट 3 का जो क्वेश्चन था, डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, MDM, SSA एंड RMSA, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण से संबंधित मुद्दे MDM, SSA एंड RMSA की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये टॉपिक ही मैं छोड़ के गई थी इसलिए मैंने ये अटेम्प्ट ही नहीं करा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट डू यू मीन बाय वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन अ कंट्री। शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं, हमारे देश में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। ये मुझे आता था तो मैंने ये अटेम्प्ट करा। यूनिट 4th का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड द इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। भारत में विभिन्न नए आर्थिक सुधारों एवं शिक्षा पर उनके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट रिजर्वेशन एज एन एग्लेटेरियन पॉलिसी, आरक्षण एक समतावादी नीति के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगेन आई वुड सजेस्ट, क्रिटिकली जब भी कोई एग्जाम करना हो तो उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों लिख दीजिएगा। तो ये था टॉपिक हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का एग्ज़ाम। इसमें अगेन मैं फिर बताऊंगी, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 1.5 पेज मैक्सिमम फिल कीजिए, और 16 मार्क्स के हैं उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 पेजेस में रखिए, आगे पीछे वाले, मतलब टोटल फुल पेजेस 6 पेजेस हाफ ऑफ करके। तो इस तरह पूरा कीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन 3 आवर्स में पूरे सब्जेक्ट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेरी रहती है तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।